गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? सॉरी गाइस, कल के लिए मेरा व्लॉग करप्ट हो गया था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि वीडियो उड़ चुकी थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा व्लॉग अब रोज़ से टाइम पे आएगा। मैं तो पूरी कोशिश यही करता रहूँगा। तो पटना में सर्दी गिर रही है गाइस, और पटना में गर्मी आ रही है, बूम। तो सुबह सुबह मैं उठ चुका हूँ, मम्मी अपना काम कर रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको ऑफिस से कॉल आने लगता है कि जल्दी आइए जल्दी आइए। तो उनका ऑफिस का कॉल मेरे कॉल पे आता है इनफैक्ट। तो वो बोलते हैं कि जल्दी भेजो जल्दी भेजो, तो मैं बोलता हूँ मम्मी को जल्दी जा रहा, ओके जाओ, उनका कॉल आ रहा है। तो गाइस वो अपना जा रही है, तो मैंने सोचा कि बगल में बुक रखी है तो थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो इसलिए मेरे को पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि मैं जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को बताइए। तो एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे को इनफैक्ट अभी एक फॉर्म भी भरना है CRPF का। और गाइस मेरे कॉलेज से अभी एक मेल आया था मेरे को कि PPU में आप लोग को भरना है कुछ, उसका सीन है, मेरे को जाके साइबर कैफ़े में करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो मांग रहा है, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल साइन, तो मोबाइल में है नहीं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँगा, कल एक नई चीज़ आने वाली है, एक सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों को कल ही बताऊँगा। तो मैं बस कल का वेट कर रहा हूँ बहुत। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मम्मी को अपने छोड़ने, तो सीढ़ी पे आराम से उतर रहा हूँ। हम आपके हैं कौन वाला सीन ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए मजाक से हट के मम्मी को जल्दी छोड़ना है मेरे को। अब बाइक तो गंदी हो रखी होगी, लेकिन बाइक साफ़ करने का टाइम नहीं है, जल्दी बाइक निकालूंगा और चले जाऊँगा छोड़ने। गाइस उतनी भी ठंडी कम नहीं हुई है वैसे, लग तो रही है। अभी मैं हूँ हाईवे पे, आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे जाम लगा हुआ है, सुबह सुबह 9-10-11 बजे भी। वाह, मैं तो 3 टाइम बोल दिया एक साथ, 9-10-11 10 बज रहे हैं। अब मम्मी को छोड़ के आ चुका हूँ मैं घर, और जाते हैं रूम में, थोड़ी देर जाके मैं थोड़ा आराम करूँगा, सोऊँगा, क्योंकि सोने का अलग ही स्वैग है। बूढ़ी का घर, बूढ़ी री बूढ़ी री बूढ़ी री। तो गाइस ताला लगा हुआ है, चौकी मत, चाबी में पास है, खुल जा सिम सिम, राबड़ा का डाबरा खुल गया गाइस। तो गाइस मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने अपना खाना नाश्ता निकाला और खा लिया, और मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। तो गाइस लॉक वॉक करने के बाद आई एम गोइंग टू वर्क। वैसे मेरा जूता तो घूम रहा था बार बार, पता नहीं क्यों, और आ चुका हूँ मैं बाहर। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, और गाइस आप लोग ये मत सोचना कि अभी धूप निकली हुई तो शाम में ठंड नहीं होगी, क्योंकि शाम के 4 बजते ही मस्त ठंडी हवा चलने लगती है एकदम सनन सनन, तो ठंडना लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं हूँ पाटलिपुत्रा स्टेडियम के पास, और मेरा गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं तेल लेके वापस जा रहा हूँ उधर, और रोड तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है इधर, दिखेगा इस पार्क। यार बिन बरसात पानी कहाँ से आ जाता है। सॉरी गाइस फ्रेम कुछ ज़्यादा हिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं हाथ ही से व्लॉग करता हूँ, इसलिए क्या हेलमेट में है सेटअप, लेकिन मैं हेलमेट ला नहीं पाता हूँ हमेशा, इसलिए। और देखिए गाइस शाम हो रही है धीरे धीरे, और आज मैं आज जल्दी निकल गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सर दर्द हो रहा था गाइस, इसलिए मैं सोचा जल्दी निकल जाऊँ। और रोड पर मच्छर मारने की दवाई फैलाई जा रही है, क्योंकि गाइस ठंड में मच्छर कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए। चलिए अब घर जाते हैं, मैं डायरेक्ट घर जाऊंगा, अभी किसी से मिलने का मन भी नहीं कर रहा है। मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, पर लेकिन मैं नहीं जा पाया उससे मिलने, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो चलते हैं जल्दी से घर। आ चुके हैं हम घर, अब बाइक अंदर लगाने के बाद मस्त पलंग पे जाके पसड़ जाऊंगा मैं, लेकिन उससे सोच रहा हूँ पहले कि मैगी बना के खाऊंगा, तो फिर से अबड़ा कड़ाबड़ा खुल जाए ताला सिंग सिंग, खुल गया।
गुड बॉय। तो गाइस हम लोग अभी खाएंगे मैगी, मौगी खाएंगे मौगी। तो हम लोग सोच रहे थे मौगी कौन से बर्तन में बनाएं, मतलब तो भुजिया पड़ा हुआ है थोड़ा सा, सॉस पे ना मौगी तो नहीं बनाएंगे। चलिए इसमें रोटी मम्मी सेकती उसी में बना लेता हूँ, फिर धो दूंगा उनको थोड़ी पता लगेगा। तो गाइस मौगी बन के तैयार हो चुका है, अब देखते हैं मौगी लग कैसे रहा है, क्योंकि इस मौगी में मैंने बहुत सारे मसाले मिला दिए जितने मसाले बना सकता था, और इसका असर ये हुआ कि मौगी सही में मौगी हो गया। तो गाइस अभी लाइट ऑफ करके थोड़ा सोऊंगा। तो गाइस मैं उठ चुका हूँ, देखिए मास्क जो मैंने नया लिया था कुछ दिन पहले, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, वो फट चुका है धीरे धीरे। अब मम्मी बस अपने रूम में आके गेट लगा चुकी है, क्योंकि उनको भी ठंड लग रहा था, क्योंकि गाइस ठंड इतनी ज़्यादा होती है शाम में कि सबको ठंड लग रहा है आजकल, पता नहीं क्या है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है ना अभी, क्योंकि दिन में थोड़ी धूप निकल जाती है तो गर्मी लगने लगता है, शाम में अचानक ठंडा हो जाता है। तो ये मौसम में आप लोग को एकदम सेफली रहना चाहिए, और ये मत समझिए कि जैकेट वगैरह खोल के घूम सकते हैं हम लोग, अपना ख्याल रखें गाइस, क्योंकि ठंड आपको लग सकती है अभी भी। तो मैं अभी नीचे जा रहा हूँ दवाई लेने उनके लिए। ये कार्ड इतना सफेद है कि क्या ही बोलूं। सोचता अपनी दीदी कुछ ले ही लूंगा, तो मैंने अपने लिए ली सर्वी फर्स और पकौड़े भी हैं, तो मस्त उनको खिला के दवाई खिला के मस्त सो जाएगी। अंधेरा है ना बाहर। तो गाइस आ गया मैं रूम में वापस अपने, और इनको दे देता हूँ, तो मस्त सोई भी है अंदर। तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ मम्मी को दवाई खिला के सोने, और आप लोग अपना ख्याल रखें गाइस, ठंड में एकदम अच्छे से रहें। गुड बाय।